व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से अपने भी चैनल का सब्सक्राइब को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर 200 हैं, 300 हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहता हूं, लेकिन यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें आप लोग को बताया गया कि 29 जुलाई तक जितने सारे लोग सब्सक्राइब को हाइड किए हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे। तो फाइनली इनेबल हो चुके हैं और सब्सक्राइबर है जो दिखना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि साफ़ सुथरा और सभी लोगों के बीच वो दिखाना चाहता है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं उसको हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है और आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको आप लोग ओपन कर लीजिए। आपके सामने इस तरह का ब्राउज़र का कुछ इंटरफेस है जो शो होगा। आपके नीचे ब्राउज़र के नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो कि एप्लीकेशन होते हैं उसका एक आइकन बनकर चला आता है, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। आपको यहाँ पे एक यूट्यूब का आइकन भी दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब मैं क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। अब जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइट में करेंगे, आपका मोबाइल जो होगा वो लैपटॉप और पीसी में जिस तरह का इंटरफेस शो होता है उस तरह का आपको शो होगा। राइट में आप लोग को एक लोगो मिलेगा आपके चैनल का, अगेन इस पर आप लोग क्लिक करिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, आपका चैनल जो है वो हाइड हो जाएगा। और योर चैनल पर आते हैं, अगेन आपके सामने ये पेजेस ओपन। कस्टमाइजेशन चैनल पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेजेस ओपन होगा। राइट यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये ऑप्शन जो होते हैं आपको डैशबोर्ड में वो शो होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने सब्सक्राइबरों को ना दिखाऊं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक सेटिंग का ये आइकन जो बनकर आता है इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे क्लिक किया आपके सामने ये सेटिंग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे आप लोग अपने चैनल के जो भी कस्टमाइजेशन है उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है जनरल, नीचे एक मिलता है आपको यहाँ पे चैनल, जो यहाँ पे चैनल में जितने सारे चीज़ होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शन आते हैं जहाँ पर आपको नंबर वन में आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपका चैनल जो होगा उसका कीवर्ड या कंट्री लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब पहले हम लोग को पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लिपिंग। आपको यहाँ पे क्लिप के नीचे एक टिक दिया गया जहाँ पे अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि हम लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइबर इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कि इसको ऑफ कर दिया गया, मतलब डिसेबल कर दिया गया है। तो गाइज फाइनली आई होप आप लोग समझ जाइए कि आपका जितने भी चैनल हैं उसके सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब सभी लोगों के लिए एक ही है और एक रहेगा, ताकि सभी लोगों को वो सारा कंटेंट जितने सारे सब्सक्राइबर हैं वो दिखाना चाहता है। सो आई होप अगर वीडियो पसंद आए गाइज तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।